किसान भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगा इफको की सारे काम उपलब्ध न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें वह कितनी मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, ये सब डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये डिटेल्स मेरे द्वारा नहीं बनाई गई, ये मुझे जब मैं इफको सेंटर गया था उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी। उन्होंने एक लिस्ट दी थी, जब मैं अपने खेतों में सागरिका डालने के लिए वो ये दानेदार सागरिका ले रहा था, उन्होंने एक लिस्ट दी थी। मैंने उनसे पूछा था कि उसमें क्या क्या कंटेंट उपलब्ध है, तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी थी, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने उसमें दिया था सागरिका मछुआरों द्वारा भारत की जो दक्षिणी पूर्व तट पर समुद्र में उगाई गई एक लाल समुद्री वनस्पति जिसे शैवाल बोलते हैं, उस शैवाल से निकाली जाती है, उस शैवाल से ये सागरिका को बनाया जाता है लिक्विड में और ये दानेदार में। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे उपयोगी खनिज, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, एंजाइम, हार्मोन्स, पोषक तत्व इत्यादि मतलब मौजूद होती हैं उसमें। अब इसमें तत्व की मैं डिटेल में बताता हूँ इसमें क्या क्या तत्व है। तो उसमें प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व वो उपलब्ध है। कितनी मात्रा में इसमें प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन इसमें 0.23 से लेकर 0.3%, फास्फोरस है इसमें 0.05 से लेकर 0.1% और पोटेशियम इसमें है 14 से 18%। इसमें सबसे ज़्यादा सागरिका में पोटेशियम होता है मौजूद। अब बात करते हैं द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व इसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम इसमें 0.15% से लेकर 0.20% तक है। मैग्नीशियम इसमें 0.35 से लेकर 0.45% तक है। एक मिनट कैमरा को यहाँ रखकर बताता हूँ। और इसके बाद इसमें पौध वृद्धि संवर्धक यानी उत्प्रेरक इसमें ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये लगभग 400 से 600 ppm तक उपलब्ध हैं। साइटोकाइनिन 200 से लेकर 400 ppm तक है। इसके बाद इसमें 500 से लेकर 800 ppm जिब्रेलिन है। इसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या आता है, अपने कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और बोरोन, ये सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं जो धान के लिए, गेहूँ के लिए और बाकी सभी फसलों के लिए देना जरूरी है। इसमें क्या है, इसमें कॉपर है 50 से लेकर 70 ppm, जिंक है 5 से लेकर 12 ppm और मैग्नीज है 15 से लेकर 20 ppm और आयरन है 200 से लेकर 300 ppm। इसके बाद बोरोन है इसमें 30 से लेकर 50 ppm। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ppm होता क्या है। ppm एक परसेंटेज में, यदि हम इसको बोरोन यहाँ पर 30 से 50 ppm है, इसका मतलब ये है 0.003 से लेकर 0.005% है इसमें बोरोन की मात्रा सागरिका में एक किले की पैकेट में, या एक लीटर आप जो लिक्विड लेते हैं उसमें, इसका ये परसेंटेज में दिया गया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके लाभ। धन्यवाद किसान।